हेलो एंड वेलकम टू फार्मास्यूटिकल गुरुजी, मैं हूँ DRX हारून रशीद सैयद। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने नीम ऑयल का वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर मुझे एक कमेंट आई कि सर आप जो है फैट लॉस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑर्लिस्टेट 120 mg कैप्सूल का रिव्यू। ये एक फैट बर्निंग कैप्सूल है और मेरे पास में इसका जो है ब्रांड है जीरो ट्रिम कैप्सूल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स जानेंगे कि ये कैप्सूल किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फैट को बर्न करती है, इसका डोज क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स वगैरह और भी बहुत सारी बातें और कुछ क्विक टिप्स इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ में लास्ट तक कर जुड़े रहिए। और फ्रेंड्स, अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए। और साथ ही में अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। ऑर्लिस्टेट कैप्सूल यूज़ की जाती है फैट लॉस के लिए, मतलब अगर से आप ओबेस है बहुत ज़्यादा तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। मेरे पास में जो इसका ब्रांड है उसका नाम है जीरो ड्रीम कैप्सूल और ये एक जेनेरिक ब्रांड है। तो इसके MRP तो वैसे बहुत ज़्यादा है, 485 रुपीज़, लेकिन ये जो है क्योंकि जेनेरिक का प्रोडक्ट है इसलिए ये आपको 200 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। इसके अलावा इसके और भी जो है ब्रांड्स आते हैं ऑर्लिस्टेट के, जैसे कि मेगाबर्न कैप्सूल, इसके अलावा ओस्टेट कैप्सूल्स वगैरह। और फ्रेंड्स, अगर से आपको इस कैप्सूल को यूज़ करना है तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ये पता करना पड़ेगा कि आप ओबेस है या नहीं। तो उसके लिए आपको जो आपका BMI निकालना पड़ेगा। तो आप BMI कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए जो है प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐप्स वगैरह मौजूद है जो कि BMI कैलकुलेटर करके यूज़ करते हैं। और BMI की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 to 24, मतलब अगर से जो है आप 18.5 से नीचे है तो इसका मतलब आप अंडरवेट है, और अगर से आप 24 से ऊपर है तो इसका मतलब आप जो है ओवरवेट है, आप ओबेस है और आपको जो है फिट होने की ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, जब आप ये कैप्सूल्स को यूज़ करते हैं तो इसके लिए इसके बाद में जो आपको कुछ जो है कॉमन से इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें जो है कॉमन इफेक्ट है एक, जिसमें जो है आपका फैटी स्टूल होता है, मतलब जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा फैटी होगा। इसके बाद में जो है लिक्विड स्टूल होता है, मतलब डायरिया जैसी कंडीशंस होती है। और इसके अलावा स्पॉटिंग जो है स्टूल भी होता है। तो अगर से आपके साथ में अगर ऐसा होता है तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए या फिर घबराइए मत, क्योंकि इसका कॉमन इफेक्ट है ये कैप्सूल जो है लेने के बाद में होते ही, क्योंकि जब हम हमारे बॉडी से ये कैप्सूल फैट को लॉस करेगा तो फैट जो है वो एक्सटर्नली स्टूल के थ्रू ही बाहर निकलने वाला है, जिसके वजह से क्या होगा कि स्टूल जो है वो फैटी ही निकलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें पहला होता है कि आपको जो है सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल में क्रैम्प्स उठ सकते हैं। और इसके अलावा जो है एंजाइटी, यानी कि थोड़ा सी घबराहट वगैरह भी आपको होती है। और फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि इस कैप्सूल को कौन कौन नहीं ले सकता है। तो इसमें जो है सबसे पहले अगर से आप एक डायबिटिक पेशेंट है, मतलब आपकी डायबिटीज़ की दवा शुरू है, ग्लिमिप्राइड, मेटफॉर्मिन एक्सेट्रा, जो भी डायबिटीज़ की दवाई होती है, तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर से आप जो है हाई बीपी के आप पेशेंट हैं तो तब भी आप जो है इसको नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा अगर से आपकी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई है तब भी आप इसको नहीं ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर से जो है कोई लैक्टेटिंग मदर या फिर जो है कोई प्रेग्नेंट वूमन, लैक्टेटिंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो होती है, वो भी इसको नहीं ले सकता है, इसको जो है अवॉइड करना है। और इसके अलावा जो पेशेंट मिर्गी वाला होता है, मतलब इपिलेप्सी, मतलब जिनकी जो है लिविटेरसिटाम वगैरह ये जो टैबलेट्स शुरू हैं, वो भी ऑर्लिस्टेट कैप्सूल को नहीं ले सकता है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि किस दवा के साथ में इसको नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जब पहला आता है वॉरफेरिन, जो कि एक एंटीकोएगुलेंट ड्रग है। इसके अलावा जितने भी एंटीकोएगुलेंट ड्रग है जो कि ब्लड क्लॉट को फॉर्म होने से रोकते हैं, तो उनके साथ में जो है ऑर्लिस्टेट को नहीं लेना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एमियोडारोन एक ड्रग है जो इसके साथ में लिए तो या तो ये होगा कि इसका कुछ टैबलेट का असर ही नहीं होगा, या तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए जो है इन ड्रग्स के साथ में ये कैप्सूल्स को जो है अवॉइड करते हैं, ऑर्लिस्टेट 120 mg को। और फ्रेंड्स, इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका डोज क्या होता है। तो डोज जानने से पहले फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि ऑर्लिस्टेट कैप्सूल जो है वो सिर्फ एक एडल्ट यूज़ कर सकता है, मतलब कि 18 साल से ऊपर अगर से आपकी एज है तभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इसका जो डोज होता है वो 120 mg का जो डोज है वो होता है दिन में 1 to 2 टैबलेट आफ्टर मील, मतलब अगर से आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बिल्कुल फौरन बाद में जो है आपको दिन में 1 or 2 कैप्सूल इसको लेना है। और अगर से आप जो है ऑर्लिस्टेट 60 mg वाली कैप्सूल लेते हैं तो उसका डोज होता है दिन में 3 कैप्सूल्स, मतलब नाश्ते के बाद में, खाने के बाद में और रात में डिनर के बाद में, ऐसे 3। तो और इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो है ये कैप्सूल आप जब ले रहे हैं तो आपको जो है बहुत ही लो कैलोरी डाइट और लो फैट डाइट लेना है, मतलब जिसमें ज़्यादा कैलोरीज ना हो, जिसमें ज़्यादा फैट ना हो। इसके वजह से क्या होगा कि आपको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट खुद के ऊपर देखने को मिलेगा।
और फ्रेंड्स ये जब कैप्सूल आप ले रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्योंकि आपके बॉडी से फैट लॉस हो रहा है, इसका मतलब फैट में जितने भी विटामिन है वो भी लॉस होने वाले हैं। और फैट सोल्युबल विटामिन जो होते हैं उसमें आता है ए डी और ई, तो आपको स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस मेडिसिन को जब आप ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको जो है विटामिन, कोई भी मल्टी विटामिन कैप्सूल जो होती है जिसमें स्पेशली ए डी और ई विटामिन जो है आ रहा है, वो कैप्सूल आपको, कैप्सूल या फिर टैबलेट जो भी है मल्टी विटामिन का, वो आपको लेना ही लेना है रोज़ की एक या फिर दो। और फ्रेंड्स इसके अलावा जो है आपको रोज़ 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, जिसके वजह से इसका रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप इसको ले रहे हैं और अगर से 2-3 महीने हो गए और आपको जो फिर भी कुछ आपके बॉडी पर इफेक्ट नहीं दिखा, मतलब आपका फैट लॉस नहीं हुआ, आपका वज़न कम नहीं हुआ, तो आपको जो बिल्कुल इसको डिसकंटिन्यू कर देना है। और डिसकंटिन्यू करने के बाद में आपके डॉक्टर से या फिर आपके जो है जो भी फिजिशियन है उससे जो आपको कंसल्ट करना है। और इसको जो है ये कैप्सूल अगर से आप ले रहे हैं तो इसको आपके ऊपर इफेक्ट दिख रहा है तो आपको इसको 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है, 6 महीना इसका एंड पॉइंट होता है, वहाँ पर इसको रोक देना है। और उसके बाद में जो आपको मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स एज वेल एज आपको जो एक्सरसाइज और वर्कआउट वगैरह भी शुरू रखना है हमेशा, ताकि आपके बॉडी में डबल से फैट ना तैयार हो। सो फ्रेंड्स मैं आपको इसके बारे में कुछ क्विक टिप्स बता देता हूँ। जैसा कि जब आप ये कैप्सूल को ले रहे हैं तब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो टाइम पर आपको जो है वॉलनट्स नहीं खाना है, इसके अलावा जो पीनट्स होते हैं यानी कि मूंगफली वो भी आपको नहीं खाना है, और साथ में ऑलिव्स ये चीज़ों को जो है अवॉइड करना है। इसके साथ में अगर से आपको डार्क चॉकलेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है, आप चॉकलेट लवर है, तो वो भी आपको जो है छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर से आप जो है इसके साथ में चॉकलेट वगैरह खाएंगे तो इसका इफेक्ट आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैंने जितने भी ये चीज़ें बताया इसी से अगर से आप ऑरल स्टेट कैप्सूल के साथ में लेंगे तो इसका इफेक्ट जो है वो वेरी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको थोड़ा नॉलेजेबल मेरा वीडियो लगा होगा। तो अगर से आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक थम्सअप कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम में, तब तक करके लिए जय हिंद।